फिंगरप्रिंट्स लीजिए पहले, क्योंकि उनके पास सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है फिंगरप्रिंट्स लिए, उससे मैच करते हैं। उसके अलावा स्पेशल कुत्ते होते हैं जो सूंघने की शक्ति इंसानों से उनमें ज्यादा होती है और सूंघने को पहचान लेते हैं, जैसा हम सूंघने से भी पहचानते हैं। अब देर तक यहाँ बैठेंगे, हो सकता है कुछ लोग नाश्ता गुजरत में नहीं भी कर पाए होंगे, अब घर पहुंचेंगे जोरदार भूख लगी बच्चों को, जैसे ही घर में एंट्री हो गई, कई बार इत्तेफाक होता है स्कूल से हम घर में एंट्री लेते हैं, जोर से भूख लगी है और इंटर होने के साथ कुकर की सिटी बजती, तभी मालूम पड़ता है कि क्या बना हुआ है। आपने कुकर खोल के देखा, सूंघने से पता चलता है कि कुछ तो हो है, क्या है क्या है पता है। तो वो कुत्ते में इतनी उसी आदमी की खुशबू, हर इंसान के बदन से एक अलग खुशबू आती है और वो कुत्ता गलती नहीं करता। इवन वो चोर जहां जहां से जाता है शूज पहना हुआ रखने दीजिए, तब भी मिट्टी से उसके वहां से जाने की खुशबू आती है। ये बात हम कई बार सुनते हैं लेकिन इस पर गौर नहीं करते। वो खुशबू कब क्याचनी होगी, जब वहां से किसी वो सवारी लेकर कार में भाग जाएगा या पानी क्रॉस कर लेगा, तब खुशबू खत्म हो जाएगी। इवन चूटी एंड दीवार पे चढ़ती रहती है, कतार के साथ एक लाइन के साथ गुजरती रहती है। आपने देखा उनकी लाइन टूटती नहीं है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बीच का हिस्सा मिटा दीजिए, जैसे हाथ से तरह साफ कर दीजिए, उनको डिस्टर्ब कीजिए, उनकी कतार को डिस्टर्ब कीजिए, जहां तक आपने डिस्टर्ब किया चूटी वहीं आकर रुकेगी, उसके आगे नहीं जाएगी। क्यों? वो चूटी के बदन के पेट के हिस्से में नीचे खुशबू की एक थैली होती है, वो खुशबू छोड़ते रह जाती है। पिछली चूटी बराबर उस खुशबू से लाइन नहीं तोड़ती, लेकिन बाद में रास्ता तलाश कर लेती है। ये सारी चीजें रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम देखते नहीं, तुम गौर नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते। मतलब मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा, साउंड मेरी आवाज दुनिया में किसी की आवाज किसी से मैच नहीं होती। ये अलग बात है कि मिमिक्री कर सकता है, कॉमेडी कर सकता है, हूबहू नकल कर सकता है, ओरिजिनल को भी धोखा दे सकता है। इतनी सलाहियतें हर इंसान में है अगर वो चाहे, जो नहीं है परफेक्टली बता सकता है, एक्चुअली वो रहता नहीं है, जिसे हम बहरूपे कहते हैं, बहरूपिया। गौर कीजिए आज इस वक्त इस जगह पे, मतलब मैं सबसे अलग, मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा, आई एम यूनिक। मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक और जब तक रहेगी तब तक इस दुनिया में अनगिनत लोग आते जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे मरते 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 रहेंगे, सब में मुझ जैसा कोई नहीं होगा। आई एम द बेस्ट। मुझे सबके चेहरे के लिए मैं इतना खास, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तो बेचारा बोझ का मारा परेशान, हर एक को ऐसा लगता मैं जितना गंजी ने दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं सबसे अलग, मैं इतना यूनिक। कुरान कहता है लकद खलक इंसान के अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में, बेहतरीन साख में बनाया। क्यों बनाया साहब? कहा कि मरने के लिए, खाया पिया मर गए, सिर्फ पेट भरने के लिए। ये काम तो जानवर भी कर रहा है, वो भी खाता पीता मरता है, मैं भी खाता पीता मरता हूं, सिर्फ खाना कैसे हो सकता है? जो जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, सबसे बड़ा दर्जा, जानवरों को नसीब नहीं है, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता, जानवर की सोच इतनी ही है बचाव की और इतनी, उसके अलावा कुछ सोच नहीं है उसकी। लेकिन इंसान को अफसर बनाया, यहां से शुरू होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहां से सफर शुरू होता है खुद एतमादी का, अपने खास होने का, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। अक्सर लोगों को शिकायत होती है, कौमों को शिकायत होती है कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उनको साइड बाय रखा गया है, उन पर जुल्म किया जाए। गलत। आज के बाद खुद की इज्जत करना सीखिए, दुनिया मजबूर हो जाएगी आप लोगों की इज्जत करने के लिए। खुद की इज्जत कैसे करें साहब? मकसद तलाश करें,
अपनी जिंदगी में किससे होगा। चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग जवाब देंगे। देंगे कल जो थे उनको पता है सवाल का जवाब, वो न दे है ना, जो आज आए हैं वही लोग दें तो थोड़ा मजा आएगा है ना, थोड़ा सोचने का मौका भी तो दें। मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए कौन किसके लिए। मैं नीचे आके पूछता हूं, आपको सोचना है खुद से कि मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए, कौन किसके लिए है। मैं दुनिया के लिए हूं कि दुनिया मेरे लिए है, कौन बोलेगा कौन किसके लिए। दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए। आप तो कल थे ना, मेरे चेहरे में तो याद है, सबसे मिला था हूं। कौन किसके लिए, आप थे कल। दुनिया मेरे लिए, मेरे लिए। दुनिया के लिए, दुनिया सबके लिए, दुनिया सबके लिए। मैं दुनिया के लिए, मैं दुनिया के लिए, और कौन बोले। हाँ बोलो बोलो, दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए। बोलो बेटा, दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए। अच्छा मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए। देखो इसमें दो तरह के जवाब मिल रहे हैं, और कौन बोलेगा। अच्छा आप भी बोलेंगे। हाँ हाँ बोलो, दुनिया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए। हाँ